2004 की कुर्दिश मूवी टर्टल्स कैन फ्लाई आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर बाहमान कोबाडी, आईएमडीबी रेटिंग 8। ये उन रेफ्यूजीज की कहानी है जब सद्दाम हुसैन जिंदा था। एक और चीज इस मूवी को खास बनाती है कि इसमें दर्शाए गए सभी बच्चे असल में रेफ्यूजीज थे और ये घटनाएं उनकी वास्तविक जिंदगी से जुड़े हैं जो आपका भी दिल निचोड़ कर रख देगी। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल पक्के से हिट करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। इराक और अमेरिका के बीच जंग छिड़ी है। लोग इराक से भागकर किसी तरह सरहद से सटे टर्की देश में आश्रय ले रहे हैं। एक लड़की किसी पहाड़ की चोटी के किनारे खड़ी नीचे झांक रही है। लगता है कि ये उसका अंत है, लेकिन इस अंत की कहीं तो शुरुआत हुई होगी। उसकी कहानी और इससे जुड़े कई बच्चों की कहानियां को जानने के लिए शुरू से सुनना होगा। सरहद से लगे एक गांव में युद्ध ग्रसित देशों से भागे हुए लोगों का डेरा लगा है। जंग बड़ी बेशर्म होती है, उम्र और कद का लिहाज नहीं करते, उनके लिए क्या बच्चे और क्या बूढ़े। युद्ध की स्थिति जानने के लिए टीवी और रेडियो एकमात्र सहारा है, पर अब तो एंटीना में सिग्नल भी नहीं पकड़ रहा। 13 साल का सहरन इस काम में माहिर है, इसीलिए गांव में सभी उसे सैटेलाइट कहकर पुकारते हैं। वो भी सुबह से एंटीना ठीक करने की कोशिश कर रहा है, मगर कोई फायदा नहीं। उसने मुखिया से कहा, ये सब अब काम नहीं करता, सैटेलाइट लाना होगा गांव में। इतने में एक लड़की अपनी पीठ पर एक बच्चे को लिए वहां आई। वो अग्रीन है, इस गांव में कल ही आई है, उसे रस्सी की जरूरत है। सैटेलाइट चंचल मन का लड़का है, वो उसे एक नजर में भाग गई। तभी उसके दोस्त बसीर ने इशारा करके उसे बुलाया और कहा, ये लड़की हलबजा गांव से आई है, इसके माँ बाप जंग में मारे गए और उसके भाई के दोनों हाथ लैंडमाइंस के हादसे में नहीं रहे। सैटेलाइट ने उसे ये बात किसी से भी कहने को मना किया और रस्सी थमाते हुए बोला, कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक बोलना। अब एक ट्रक के पीछे सवार होकर सैटेलाइट, उसके दोस्त और गांव का मुखिया सैटेलाइट खरीदने लोकल बाजार पहुंचे, जिसे उन्होंने कुछ पैसों और 15 पुराने रेडियो देकर आखिरकार खरीद ही लिया, क्योंकि युद्ध की स्थिति जानना बहुत जरूरी है। अब एक बिना हाथ वाला बच्चा जमीन पर गड़े माइंस को अपने मुंह से खोल रहा है, वही अर्गिन का बड़ा भाई है। किसी ऐसे ही हादसे में उसने अपने दोनों हाथ गंवाए थे। ये माइंस अमेरिकी ने बिछाए हैं, जिन्हें ढूंढ कर निकालना ही इस गांव के बच्चों का काम है, जिसे आलू प्याज के भाव बाजार में बेचकर उन्हें पैसे मिलते हैं और उनसे ही उनका गुजारा चलता है। अब यहाँ बसीर सैटेलाइट से शिकायत कर रहा है, वो बिना हाथ वाला लड़का हमारे इलाके में घुसपैठ कर रहा है और जब उसे मना किया तो उसने अब्दुल को मारा। जब सैटेलाइट उससे झगड़ा करने पहुंचा तो बिना कुछ बोले वो चुपचाप वहां से चला गया। फिर उन्होंने पास ही एक पेड़ से एक छोटे बच्चे को बंधा हुआ देखा, जो उस दिन अग्रीन की पीठ पर था। शायद इसीलिए वो उस दिन रस्सी लेने आई थी। अब यहाँ सैटेलाइट का उसे बार बार बात सुनाने से अग्रीन का भाई गुस्सा होकर उससे भिड़ गया और सैटेलाइट को नाक पे चोट लग गई, वो नीचे आ गिरा। फिर अग्रीन अपने भाई के पीछे पीछे चलती। अब सारे बच्चों की मदद से सैटेलाइट लगाया गया, जिसके लगते ही रेफ्यूजी लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्हें भी जंग के हालात जानने हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगियां तितर बितर हो चुकी है। सैटेलाइट ने देखा कि भीड़ में अग्रीन भी शामिल है। फिर उसने सबसे कहा कि मस्जिद के माइक में वो खबर की घोषणा करवा देगा, अभी आप सभी लोग यहाँ से जाएं, और दूर तक अग्रीन को जाते हुए देखता रहा। टीवी देखने आसपास के गांव के मुखिया भी आए हैं, मगर सारी खबरें अंग्रेजी भाषा में होने के कारण सैटेलाइट उन्हें उसका मतलब समझा रहा है। यहाँ रात में बच्चों से भरे कमरे के बीच हैंगोफ की नींद खुली तो देखा रीगा कहीं नहीं है। उसने अग्रीन को भी जगाकर पूछा, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मालूम। इधर रीगा कांटीले तारों को पकड़े अपनी माँ को पुकारते हुए रो रहा है। उसकी जन्मभूमि इराक और उसके बीच ये कांटीले तारों की दीवार है। तभी वहां से गुजरते हुए सैटेलाइट और बसीर ने उसे वहां खड़ा पाया और उसे तुरंत वहां से ले गए। उसी ओर दौड़ते हुए अग्रीन और हैंगोफ भी आ रहे हैं। उसने बच्चे को गोद में उठाया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। सैटेलाइट बिना पलके झपकाए अग्रीन को जाते हुए देखने लगा। अब यहाँ सारे बच्चे एक ट्रक की ओर भाग रहे हैं। उस ट्रक में लदे हैं जंग में इस्तेमाल हुए मिसाइलों के अवशेष, जिन्हें एक कतार में सजा कर रखने के उन्हें 10 दिरहम पैसे मिलेंगे। अग्रीन और हैंगोफ भी वहां आए हैं। अग्रीन करुण भरी नजरों से ये सारा नजारा देख रही है, क्योंकि इन्हीं मिसाइलों की वजह से उसके माँ बाप मारे गए। कितनी अजीब बात है ना, कि आज उन्हें इसे सजा कर रखना पड़ रहा है। अब इधर रिगा उन मिसाइलों के कतारों में खो गया और वो जोर जोर से रोने लगा।
अग्रिन उसे सुनकर भी चुपचाप बैठी है क्योंकि रिगा उसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ऐसा क्या हुआ था और इस बच्चे से उसके क्या संबंध है? अगले दिन सारे बच्चे झुंड में खड़े हैं। सैटेलाइट आधे बच्चे को मैदान में गड़े माइंस निकालने को भेजता है और आधे बच्चे को खेतों में काम करने। दरअसल सैटेलाइट ही इन बच्चों का लीडर है। तभी वहां से अग्रिन गुजरी। सैटेलाइट साइकिल उठाकर उसका पीछा करने लगा। वो पानी लेने आई है। किसी तरह भीड़ में घुसकर सैटेलाइट उसके लिए दो बाल्टी पानी ले आया। वो उससे दोस्ती करना चाहता है पर अग्रिन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। फिर अग्रिन ने उसे पास की नदी से मछली पकड़कर लाने को कहा और सैटेलाइट ने तुरंत कपड़े उतार पानी में छलांग लगा दी। मौका देख अग्रिन वहां से भाग गई। अब यहाँ रात में हैंगोव अग्रिन और रेगा के बीच में सोया है क्योंकि उसे पता है कि वो बच्चा उसे एक आंख नहीं भाता। अग्रिन ने पूछा, हम लोग कब यहाँ से रवाना होंगे? उसका भाई बोला, पहले तुम्हें इस बच्चे को अपनाना होगा, अपने मन से इसके लिए घृणा निकालनी होगी। तभी अग्रिन के दांतों में दर्द उठा। उसके भाई ने बगल में रखी केरोसिन तेल को मुंह में जल्दी दबाने को कहा और सोते वक्त बच्चे को उसने बीच में सुला दिया, जो अग्रिन से बर्दाश्त। आधी रात हो गई, अग्रिन को नींद नहीं आ रही। उसने वही केरोसिन का डिब्बा लिया और बाहर नदी किनारे चली गई। वो केरोसिन अपने शरीर में डालने लगी। वो मरना चाहती है। तभी किनारे पर उसे ऐसा लगा जैसे रेगा उसे पुकार रहा हो, वो उसके पास जाने के लिए रो रहा हो। उसकी आवाज सुन वो खुद को आग नहीं लगा पाई और वापस चली गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे खुद उस बच्चे को नापसंद करने के लिए तकलीफ होती है, क्योंकि उसे मालूम है जो भी हुआ उसमें रेगा का तो कोई कसूर नहीं। वो बच्चे को गले से लगाकर सो गई। एक दिन रेगा के नाक मुंह से खून निकलने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या हुआ है। हैंगोव उसे लेकर डॉक्टर के पास दौड़ा, पीछे पीछे अग्रिन भी है। रास्ते में सैटेलाइट उन्हें देख उनकी मदद को आगे आया और उसे अपनी साइकिल में बिठाकर ले गया। यहाँ अकेली खड़ी अग्रिन चलते हुए पहाड़ के किनारे आकर खड़ी हो गई। उस चुपचाप रहने वाली लड़की के मन में कितनी उथल पुथल हो रही होगी। क्या हुआ होगा जिसने उसे खामोश कर दिया है। अब कहानी अतीत में लौटी। इराक के जिस गांव में अग्रिन और उसका परिवार रहता था, वहां एक रात दुश्मनों सैनिकों का छापा पड़ा। लूटपाट के साथ उन दरिंदों ने मिलकर इस 12 साल की बच्ची अग्रिन का बलात्कार किया और दोनों भाई बहन कुछ भी ना कर सके। तो दोनों ने उन्हीं सैनिकों में से एक का बच्चा चुरा लिया और भाग आए। यानी वो बच्चा उसी सैनिक का है, इसीलिए अग्रिन उसे अपना नहीं पाती। यहाँ सैटेलाइट की साइकिल पर बैठे हैंगोव को अपनी आंखें बंद करने से सिर्फ जंग के मैदान और भयंकर दृश्य ही नजर आते हैं। फिर वहां से लौटते वक्त सैटेलाइट तेजी से साइकिल चलाता हुआ वापस आ रहा है, क्योंकि उसने अमेरिकी सैनिकों को उस तरफ आते हुए देखा है। मस्जिद के माइक पर उसने घोषणा की, हमला होने वाला है, सभी ऊंची पहाड़ी की तरफ जाए। पूरी भीड़ उस तरफ चल पड़ती है, मगर हैंगोव अग्रिन और रेगा को लेकर वही रहता है। सैटेलाइट के पूछने पर भी वो चुप रहा। तभी देखते हैं कि उस बच्चे के हाथ में दो छोटे कछुए के बच्चे हैं। वो उनके साथ खेल रहा है। उसने सामने जमे गड्ढे के पानी में कछुआ डाल दिया। अब पहाड़ी तक दो हेलीकॉप्टर उड़कर आते दिखे, जिसमें से कुछ कागज हवा में उड़ा दिए गए, जिस पर लिखा है कि उन सभी लोगों को सद्दाम हुसैन ने अपनी तरफ से जंग में लड़ने का मौका दिया है। बच्चों के भी दिमाग में जंग की बातें घुस गई है। वो सब भी जंग में जाना चाहते हैं। और सैटेलाइट संग सारे बच्चे मिलकर लोकल बाजार में हथियार खरीदने पहुंचे, जिससे कि वो अपने गांव की रक्षा कर सके। पर उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तब सैटेलाइट्स ने वो माइंस बेचे जो उन्होंने इकट्ठा किए थे राशन पानी के लिए, लेकिन अब उसके बदले उन्होंने भारी बंदूक खरीदी। खाने से भी ज्यादा जरूरी लड़ना हो गया है उनके लिए। अब खाना खाते वक्त अग्रिन ने फिर हैंगोव से पूछा, हम कब यहाँ से जाएंगे? अभी कुछ दिन यहाँ रहना होगा, जब तक रेगा पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, हैंगोव बोला। अग्रिन तपाक से बोली, मैं इसे यही छोड़कर जाना चाहती हूँ। अगर ये भी हमारे साथ गया तो मैं अकेले ही यहाँ से चली जाऊंगी। वो उसे अपनाने की जितनी भी कोशिश करे, पर उसका चेहरा देखते ही उसे उस रात की घटना याद आ जाती है। रात जब सब नींद की आगोश में सोए हैं, अग्रिन रेगा को पीठ में लेकर बाहर निकल गई। रेगा अभी भी गहरी नींद में अग्रिन की पीठ से चिपक कर सोया है। दूर एक चट्टान के पास पहुंचकर उसने उसके पैरों को रस्सी के एक सिरे से बांधा और दूसरा सिरा पेड़ के तने पे। रेगा अब तक जाग चुका है और चुपचाप बैठे अग्रिन को देख रहा है। फिर वो उसके पास गई और उसे प्यार से पुचकारा। रेगा भी उसे प्यार करता है।
पर उस मासूम को नहीं पता कि अग्रिन उसे वहीं हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली है। अग्रिन धीरे धीरे कोहरे में गुम हो गई। रेगा पीछे से उसे आवाज दे रहा है, रोता हुआ अपनी माँ को पुकार रहा है, मगर उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं। इधर सैटेलाइट गांव के बच्चे को जंग से मुकाबला करना सिखा रहा है। तभी वहां गांव का टीचर आया, क्योंकि अब कोई भी उनके पास पढ़ने नहीं आता। सैटेलाइट बोला, मास्टर जी, अभी पढ़ाई की कला से ज्यादा जरूरी युद्ध की कला सीखने की है। तभी एक बच्चा सैटेलाइट को आकर बताता है कि रेगा माइंस से भरे मैदान में खड़ा है। असल में कोहरा छटने के बाद हमें समझ आता है कि अग्रिन उसे कहाँ छोड़ आई थी। तुरंत सैटेलाइट समेत सभी बच्चे वहां पहुंचे। वो उसे इशारा कर आगे बढ़ने से रुकने को कह रहे हैं, मगर वो इतना ही छोटा है कि उनकी बातें नहीं समझ सकता। अब सैटेलाइट धीरे धीरे उस बच्चे की ओर बढ़ा। उसे देख वो बच्चा उत्साहित हो गया और पास पड़े एक लैंड माइन को उसने छू लिया। जोरों का विस्फोट हुआ, हर तरफ धुआं धुआं है। रेगा तो सही सलामत है, मगर सैटेलाइट के पांव पर चोट लग गई। उसने समय रहते रेगा को पकड़ लिया था। बसीर ने आकर सैटेलाइट को एक जोड़ा बैसाखी थमाते हुए कहा, सद्दाम हुसैन गिरफ्तार हो चुका है, अब लगता है जंग रुक जाएगी। सैटेलाइट बोला, जाओ जाके मस्जिद की माइक से सबको इस खबर की घोषणा कर दो। अब सभी लोग रिफ्यूजी कैंप छोड़ अपने अपने घर को रवाना होने लगे। जब रात में अग्रिन अपने तंबू वापस आई, रेगा को वहां देख चौंक उठी। हैंगोफ सोया हुआ है। अग्रिन एक बार फिर से रेगा को चुपके से उठा ले गई और साथ वो रस्सी भी। इस बार उसने उसके पैर में रस्सी बांधी और दूसरा सिरा एक बड़े से पत्थर पर बांधा, जिसे उसने नदी में फेंक दिया। पत्थर के बोझ के साथ वो बच्चा भी नदी में डूबने लगा। उसके जेब में पड़ी वो दो कछुए निकलकर पानी में तैरते हुए ऊपर आने लगे। वो बच्चा मारा गया। अब हैंगोफ उन दोनों को ढूंढ रहा है। पूरा रेफ्यूजी कैंप खाली हो चुका है। सब अपने अपने घरों की ओर कूच कर चुके हैं। दौड़ते हुए वो नदी तक पहुंचा, जहां उसे किनारे पर बैठा सैटेलाइट रोता हुआ दिखा। हैंगोफ नदी में कूदा और तलहटी पर उसे रेगा दिखाई दिया, जिसके पैरों पर रस्सी बंधी है। वो अब पागलों की तरह अपनी बहन अग्रिन को चारों तरफ ढूंढ रहा है, मगर कहीं कोई खबर नहीं। फिर उसे पहाड़ की चोटी पर अग्रिन के दो जोड़ी जूते मिले, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अग्रिन उस दर्द भरी दुनिया से रिहाई ले चुकी है। वो अपने दुखों से आजाद हो गई है। उसका भाई उसके जूतों को मुंह में दबाए वहां से चला गया। जैसे कछुए धरती पर भारी होते हैं, लेकिन पानी में उनको तैरते हुए देखो तो ऐसा लगता है जैसे पानी में उड़ रहे हो। कछुए जो उड़ सकते हैं इन्हीं बच्चों को दर्शाते हैं, जिन्हें अपने मन के बोझ से, इस जिंदगी के जख्म से मुक्त होने के लिए, हल्का होकर उड़ने के लिए ठीक उस छोटे बच्चे की तरह डूबना होगा, अंतिम विदाई लेनी होगी, तभी वो बोझ से आजाद हो पाएंगे। ये जंग इन बच्चों की आंखों से देखो तो कितनी बेनामी है। कोई भी हारे या जीते, असल में हार तो इन बच्चों की हुई है। बस कहानी यही खत्म हुई। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।